जय हिंद जो आप लोग क्लास 10th में हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये जो आप लोग तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 100% कोई भी ये 10 नंबर नहीं काट सकता। इसमें देखिए रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, पर्यायवाची, समास, वाक्य प्रयोग, वाच्य पद और परिचय, ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। 100% आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के आखिर में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। बाकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर बताते चलूँगा। बाकी आप लोग पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ मिलेगा ये भी बताऊँगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, या फिर हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए जो आपके रस दो ही पूछे जाएंगे, हास्य और करुण रस, तो हास्य रस का स्थायी भाव हमारा हास हो जाएगा। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीस और अंधी आज बनाकर मुझको किया नए तुमने जगदीश। तो इसमें क्या बता रहा है कि कौन सा प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, सॉरी यहाँ पर रस है, कौन सा रस है, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कई कई बार पूछ लिया जाता है जो रसों की संख्या पूछी जाए तो 9 होते हैं रस, ठीक है। बाकी मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको किया न तुमने जगदीश, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस है कि करुण रस की हास रस की यहाँ पर भयानक रस। तो देखिए इसमें करुण रस हो जाएगा, क्योंकि क्या है जब यहाँ पर श्रवण कुमार के यहाँ पर तीर लगा हुआ था तो उनके माता पिता रो रहे थे, तब वही कह रहे थे मणि खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको किया ना है तुमने जगदीश, तो इसमें करुण रस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि नाना वाहन नाना वे यहाँ पर वैसा विहसे शिव समाज निज देखा और को मुखवीन यहाँ पर मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुबाहू में कौन सा रस है, इसमें भी बताना है कि कौन सा रस है। तो देखिए इसमें यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि इसमें हंसी प्रकट हो रही है कि नाना वाहन नाना वैसा, मतलब जो तरह तरह के लोग थे वो तरह तरह के यहाँ पर जिस तरीके से जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर भगवान का यहाँ पर भगवान राम का रूप देखा उसी तरीके से उनका यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें बताया गया है, तो इसमें हास्य रस हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है रोला के कितने चरण होते हैं, तो रोला के जो हमारे होते हैं कितने चरण होते हैं, 2 होते हैं कि 4 कि 6 कि 8। तो देखिए जो रोला के कितने चरण होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 होते हैं, कितने चरण, 4 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक चरण में यहाँ पर 24 मात्राएँ होती है, ये भी ध्यान रखना, प्रत्येक हर चरण में 4 चरण ऐसे होंगे, तो इसमें भी 24 मात्राएँ, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर उपमा अलंकार का अंग है, इसमें अंग बताना है कि उपमा अलंकार का कौन सा, उपमेय की उपमान साधारण धर्म की उक्त सभी। तो देखिए ये सभी होते, उपमेय भी होता, उपमान भी होता, साधारण धर्म भी होता, तो उक्त सभी हो जाएगा, डी वाला हमारा राइट आंसर पाँचवें का हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये सभी एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लो, इतने ही तैयार कर लो कि आपके 10 नंबर बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएंगे, 100% इन्हीं में से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक की उपमा की उत्प्रेक्षा यहाँ पर कि यहाँ पर श्लेष हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा जो छठे का राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है, कौन सा, रूपक अलंकार, जैसे चरण कमल बंधो हर राई, ठीक है। तो अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे ये देखिए उदाहरण इसका होता है चरण कमल बंधो हर राई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूपक अलंकार का उदाहरण भी है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, इसमें क्या बताएगा, एक वस्तु दूसरे वस्तु से तुलना की गई है, जैसे पीपल के पत्ते से और हमारे मन से दोनों में तुलना की गई है कि वो हमेशा डोलते रहते हैं, मन भी हमारा डोलता रहता है, जो पीपल का पत्ता भी होता है वो भी हमारा डोलता रहता है। तो इसमें क्या है, जिसमें एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, तो ए वाला सातवें का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें सिंपल सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें देखिए मनो शब्द दे दिया है, जिसमें यहाँ पर कोई भी इसकी जो यहाँ पर उदाहरण क्या है, परिभाषा क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर
मनो मानो जो जनु जानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द जो हो तो वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये ध्यान रखना। ये इसकी परिभाषा भी कई कई बार पूछ ली जा सकती है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। अगला है यहाँ पर क्या है, छंद के यहाँ पर प्रकार हैं, जो छंद होते हैं इसके कितने प्रकार हैं या फिर प्रकार हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, तो ये सभी छंद होते हैं, तो उक्त सभी हो जाएगा, डी वाला नवे का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10वां है हमारा कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जो सोरठा छंद होता है इसके दूसरे और चौथे चरण में, इसमें भी इस प्रकार से चरण होते हैं, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए जो ये होता है क्या होता है, इसमें जो यहाँ पर देखिए दूसरे और चौथे चरण में, इसमें और इसमें आपको बताना है कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें जो हमारी होंगी, इसमें हमारी 13-13 मात्राएं होंगी, और पहले और तीसरे चरण में, यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा भी होता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है कि दोहे का उल्टा सोरठा भी होता है, कई कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लो। अगला हमारा देखिए इसी में है एक, लिख कर लोहित लेख डूब गया यहाँ पर दिन मणि आहा, और व्योम सिंध सखी देख, और तारक बुद्ध यहाँ पर बुद्ध दे रहा, तो इसमें बुद्ध बुद्ध दे रहा, तो इसमें क्या है, इसमें अब देखिए ये हमारा सोरठा ही छंद है, क्योंकि इसमें देखिए पहले और दूसरे यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं होंगी, चाहे लिख लो यहाँ पर या देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद में यहाँ पर कितने, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, ठीक हो गई। तो इसमें देखिए पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, तो ये हमारा सोरठा ही छंद हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, और 11 और 13 पर यत होती है, यह यहाँ पर लक्षण किस छंद में है, तो इसमें देखिए रोला छंद में होगा, किसमें, जिसमें मैंने पहले बताया जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, क्या होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही छंद पूछे जाएंगे, रोला और सोरठा, ठीक है। रोला छंद में सिंपल सा होगा, 24 मात्राएं होंगी चारों यहाँ पर चरण में, 24 24 मात्राएं होंगी, और जो सोरठा छंद होगा उसमें बीच बीच में कामा दिया होगा, तो ये भी ट्रिक होती पहचानने की, जैसे इस प्रकार से होगा तो समझ जाना ये हमारा सोरठा छंद है, और जो बीच में जैसे 4 चरण हो लेकिन इसमें मात्राएं नहीं, बीच में कामा नहीं लगा होगा और मात्राएं पूरी गिनी जाएंगी, 24 होंगी, तो वहां पर समझ जाना रोला छंद होगा, तो इसमें हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, रोला छंद होगा। अगला हमारा 13वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपसर्ग, देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, तो इसमें सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द कौन सा बनेगा, सह तो सहकर्मी बन जाता है, क्या बन जाएगा, सहकर्मी बन जाएगा, सुमति थोड़ा ना बनेगा, किसी शब्द के पहले जुड़ना, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा यहाँ पर नेह का, यहाँ पर तत्सम, यहाँ पर तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा, नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा, तो नेह का स्नेह हो जाता है, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर देखिए कौन सा अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, देखिए अब उपसर्ग का मैंने पहले ही बताया कि उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, तो अप जो जुड़ा है यही हमारा उपसर्ग है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, देखिए इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है, तो पर्या का जब पर्यावरण का यहाँ पर संधि विग्रह करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से परिधन आवरण होता है, ठीक है, तो पर किसमें दिया है, सी वाले में, राइट आंसर हमारा 16वें का सी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। 7 नदियों का समूह, अब देखिए जो आपकी समास पूछे जाएंगे द्विगु द्वंद्व और कर्मधारय, तो इसमें देखिए 7 नदियों का समूह में कौन सा समास है, जिसमें जिसमें संख्यावाचक हो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास, जिसमें संख्यावाचक जैसे 7 नदियों का समूह, 4 पाई हो गया, सप्तऋषि हो गया, नवरत्न हो गया, इस प्रकार से कोई भी हो इसमें समास होगा पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारा समास जो होगा कौन होगा, सप्त नदियों का, 7 नदियों या फिर सप्त नदियों का समूह, तो इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा। बाकी इसमें जब इसका समास विग्रह करोगे तो हमारा सप्त सिंधु हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है इसका। उसके बाद में अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है, द्विगु समास इसमें है, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पर 18वां क्वेश्चन की तिरंगा में कौन सा समास है, इसमें भी क्या है, देखिए संख्या दे दी गई है, तो संख्या जिसमें दे दी गई है वहाँ हमारा द्विगु समास ही होगा, तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, जिसमें संख्या दी हो वहाँ पर द्विगु समास होगा, ठीक है। अगला हमारा है राजा रानी में कौन सा समास है, जो राजा रानी होता है इसमें जो बीच में इस प्रकार से अपोजिट हो, जैसे राजा रानी, बड़ा ऊंचा, छोटा बड़ा,
या फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर गरीब या अमीर इस प्रकार से कोई भी हो, तो इस प्रकार से जो हो बीच में योजक चिन्ह बीच में लगा हो या और लगा हो तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर उत्तर में भी लिख दिया और का लोप या फिर योजक चिन्ह बीच में लगा हो तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। अगला खीर का तत्समरूप होता है, तो खीर का तत्समरूप क्षीर होता है, बी वाला 20वें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पत्थर का, यहाँ पर तत्समरूप होगा तो पत्थर का क्या होता है, प्रस्तर होता है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है यहाँ पर सुरसरिता होगा कि सरिता होगा कि नदी होगा, तो इसमें हमारा 22वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए वाला होगा सुरसरिता होता है, सरिता और नदी ये तो आपके नदी के पर्यायवाची हैं। अगला अश्व का पर्यायवाची होगा, तो अश्व का जो पर्यायवाची इसमें होंगे तुरंग और हय होते हैं, ये यहाँ पर अश्व के पर्यायवाची, बीहग द्विज ये पता नहीं, मरकट कपि तो ये तो बंदर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को, और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ इनको जरूर तैयार कर लो, ये जरूर 3-4 नंबर के पूछे जाते हैं और ये बहुत सारे लोग तैयार नहीं करते, न्यू ऐड कर दिए गए हैं। ध्यान रखना भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं। अब देखिए जो का होता, का भी हमारा अक्षर है, सा भी हमारा अक्षर, तो ये सभी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। 24वें का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक है, तो अक्षर कहेंगे। अगला हमारा यहाँ पर जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, जैसे उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर, उसे हम कहेंगे यहाँ पर उद्देश्य कहेंगे, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो अगला हमारा वाक्य के कितने अंग मान्य होते हैं, तो जो वाक्य होता है इसके कितने अंग होते हैं, दो होते हैं कि तीन कि चार कि पाँच, तो जो वाक्य होता है इसके हमारे भी यहाँ पर अंग हो जाएंगे, तो अंग हमारे इसके होते हैं वाक्य के दो होते हैं, कितने होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये दोनों यहाँ पर उद्देश्य और विधेय क्या है, वाक्य के अंग हैं। अगला है रचना के आधार पर यहाँ पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अब देखिए उसमें क्या है अंग पूछे गए दो होते हैं वाक्य के, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है, तो वाक्य के यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद यहाँ पर हो जाएंगे तीन होंगे, कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये रचना के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं। अंग जो पूछे जाए दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंग जो हमारे होते हैं उद्देश्य विधेय होते हैं, और भेद होते हैं तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो होते हैं तो आठ होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, और जो यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा जाए वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आठ होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे एक में ही बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं, वाच्य, अब देखिए वाक्य और वाच्य में अंतर होता है, वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं, तो इसके हमारे हिसाब से यहाँ पर देखिए 28वें क्या सी हो जाएगा, यहाँ पर तीन भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए, इनको ही आप लोग याद कर लो, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए ये लिखिए, ये सभी इसके तीन भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वाच्य के भेद हैं, तो कृतवाच्य भी होता है, कर्मवाच्य भी होता है और भाववाच्य भी होता है, उक्त सभी हो जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला विकारी पद के कितने भेद होते हैं, तो विकारी पद के हमारे जो भेद हो जाएंगे ये चार होंगे। अब कौन कौन से होंगे, देखिए जो विकारी पद होते हैं कौन कौन से होंगे, ये देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये हमारे चार यहाँ पर कि विकारी में यहाँ पर पद के भेद होते हैं, ये ध्यान रखना। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, आपको पता होगा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सभी होते हैं, तो पांच भेद होते हैं। अभी इसको हिंदी में क्या कहा जाता है ये भी पूछ लिया जा सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, इनको आप लोग इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में, तब आप लोग जानते होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो क्या कौन दोनों क्या है, ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ए बी वा दोनों हो जाएंगे, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी पद है, अब देखिए अभिकारी जब पद पूछा जाए, अभिकारी आपको पता है चार है, चार के अलावा जो इसमें कोई हो तो समझ जाना वो नहीं होंगे, और दूसरा अन्य हो वही हमारा क्या है, अभिकारी पद होगा। तो इसमें देखिए जो हमारा संज्ञा स्वर्ण, जो हमारा क्या है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सभी तीनों हमारे क्या हैं, विकारी पद हैं। अब इसमें अभिकारी पूछा गया, तो अभिकारी जो हमारा है डी वाला हो जाएगा, अव्यय है, ये क्या है, अभिकारी पद है।
अब देखिए ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, इतने ही तैयार कर लेते तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे। बाकी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, किस जिले से देख रहे हैं। बाकी इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए, इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।